देख सकते हैं भारी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस मौजूद है और यहाँ भारी संख्या में जो है लोग आए हुए हैं और अवैध कब्जा जो है वो हटाया जा रहा है। ये जो जमीन के ओनर है कारी जी, उनके द्वारा जो है ताला लगाया जा रहा है और देख सकते हैं कि अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है और अब जो है ये यहाँ ताला लगा रहे हैं। अब इनके ज़मीन कब्जे में आ गया है, जो मकान के जो ज़मीन के जो असली हकदार है कारी जी रहा है और बहुत दिन से जो है ये कब्जा किया गया हुआ था एक शख्स के द्वारा और जिसका ज़मीन था उन्होंने इसे कब्जे से हटाया है और इसे कब्जे से हटाकर जो है प्रशासन के जो है साथ और कोर्ट के प्रक्रिया से जो है सभी कब्जा हटा दिया गया है। 2 कट्ठा से ज़्यादा का ये शायद ज़मीन है, 1.5 कट्ठा से ज़्यादा का, और जो ज़मीन कब्जा किए हुए थे उसे कोर्ट के प्रशासन के तरफ से इसे लोग भी तमाशबीन सब देख रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के कई लोग हैं और ये कारी जी का जो है ये प्लॉट है और देख सकते हैं कि सब कुछ जो अंदर में था वो सबको तोड़ फाड़ करके हटाया जा रहा है। हम सीधे CO साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या है पूरा मामला। ये जो है DCLR कोर्ट का आदेश है, BLDR एक्ट 2009 का एक एक्ट है, उसी के तहत आदेश है जिसमें सुनवाई हुआ था और जिनका भी जो सामान रखे हुए हैं वादी प्रतिवादी दोनों उपस्थित हुए थे, अपना जवाब भी दिए वहाँ पे और वहाँ से आदेश हुआ है कि अगर अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जिसकी सूचना जो अभी रह रहे हैं अतिक्रमण किए हुए थे, इनको पूर्व में भी सूचना दिया गया था। कितने संख्या के लोग के साथ आ पाए और तो लगभग लगता है 50, लगभग 50 की संख्या में होंगे हम लोग। तो सर ऐसे ऐसी समस्याएं बहुत आती है जमीन रिलेटेड, उन सबसे क्या कहना चाहेंगे हम? समस्या है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट से आदेश होता है, हम लोग करते हैं। समस्या तो है, उसका निदान भी हो रहा है। अवैध कब्जा जो भी किए रहते हैं उनका मतलब एक हाँ, अवैध कब्जा है तो उसका भी अतिक्रमण बाद में सुनवाई होता है, अगर सरकारी जमीन है तो वहाँ भी होता है, कार्रवाई होता है। नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसामुल उफकारी। क्या हुआ था यहाँ पर? हम 2018 में ही जमीन खरीदे थे। अच्छा। और तभी बाउंड्री करा के रजिस्ट्री करवाए, बाउंड्री के बाद रजिस्ट्री करवाए। अच्छा। और उसके बाद मेरा घर खातोपुर होता है, ये जमीन जो है अभी सूजा मोजा में, गांव सूजा में है। अच्छा। जो ये एकांत पा करके उसका लाभ लेते हुए जो है मेरे जमीन में अंडर बाउंड्री अंदर अपना झोपड़ी बना करके दखल कर लिया था। तो आप कोर्ट की प्रक्रिया से? तब हम एक कोर्ट की प्रक्रिया में गए थे DCLR में, वो दखल अतिक्रमण बाद चला जिसमें कि हमको डिग्री मिला, उनके पास कोई कागजात नहीं था ना है। तो क्या कार्रवाई हुई अभी? काल का भी कार्रवाई यह हुआ जो कि कानूनी ढंग से कानून प्रक्रिया से खाली कराने का प्रक्रिया किया जा रहा है। कितने फोर्स के साथ आप आ जाए? लगभग 4 दर्जन। 4 दर्जन। तो अब सब कुछ काबू हो गया है? जी सब कुछ का हाथ में आ गया जी, अब हमारे हाथ में आ गया। प्रशासन से क्या धन्यवाद करना चाहेंगे? बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मैं उनके लिए सदा आभारी रहूँगा। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी अगर जैसे अभी कब्जा है, उन सबसे क्या सलाह देना चाहेंगे? उनसे भी गुजारिश है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा जो सच्चाई और सामने देख रहे हैं। अवैध कब्जा को लेकर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और यहाँ से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कि ज़मीन खाली नहीं करा जा रहा था और वो जो है ज़मीन यहाँ पर खाली करवा रहे हैं, लगातार देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन भी खाली की जा रही है और देख सकते हैं हर एक सामान जो है उठाया जा रहा है। और CO साहब ने कहा कि 50 लोगों के फोर्स के साथ जो है वो यहाँ पर आए हैं और देख सकते हैं सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और देख सकते हैं लोग तमाशबीन ऊपर से देख रहे हैं किस तरह से ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। और हम सीधा बात करते हैं ज़मीन के जो अभी ओनर हैं उनसे बात करेंगे। बोलो ना कि हमें तारी चीज पूरा घूम करना चाहिए। नेताजी घूम
मैंने बना लिया कि ये साक्ष रहता है, देख सकते हैं कि अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है। और जिस तरह से लोग जो है अवैध कब्जा करके दूसरे के जमीन पर रहते हैं और अपना दावी ठोकते हैं, तो इस तरह से उनका दावी को और मनोबल को जो है प्रशासन के लोग जो है तोड़ देते हैं। क्योंकि जब कोर्ट की प्रक्रिया चलती है और कोर्ट का जब कार्रवाई चलती है, तो यहीं पर जो है इस तरह से जो है सभी कार्रवाई होती है और चीत जो है सच्चाई का ही होता है। और काड़ी जी का ये जमीन था, 2018 से वो जो है परेशान थे और देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ जो है यहाँ से उठा के फेंक दिया जा रहा है। और एक लोग जो है इसे जब्त करके बैठे हुए थे और जब्त करने के बाद जो है प्रशासन के लोग जो है इसे अब हटा रहे हैं और इसे हटा के जो है अब फेंक दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर जो है सब एक चीज़ जो है ट्रैक्टर पर लाद के ले जाया जाता है। और अवैध रूप से कई एक साल से कब्जा करके दूसरे के ज़मीन पर बैठे हुए थे और अब जो है 4 दर्जन फोर्स के साथ पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। और लोग देख सकते हैं किस तरह से तमाशबीन बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर अब जो है मकान, ये जो ज़मीन के ओनर है कारी जी, उनके द्वारा जो है ताला लगाया जा रहा है कि अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। और अब जो है ये यहाँ ताला लगा रहे हैं, अब इनके ज़मीन कब्जे में आ गया है, जो मकान के जो ज़मीन के जो असली हकदार है कारी जी। चलिए देखिए अब ज़मीन को जो है खाली करा लिया गया है और दूसरा गेट पर भी जो है अब ताला लग रहा है लगभग। और आइए बाहर आइए, आप देख सकते हैं ये भी इसमें भी ताला लगा है, इसमें भी ताला लगाया जाएगा अब। और ज़मीन मालिक कारी जी के तरह दूसरा ताला लगाया जा रहा है। अब इनके पूर्ण रूप से जो है इनका ज़मीन अब इनके पास ही आ गया है और अब ज़मीन जो है इनके अंदर आ गया है। और ताला अब जो है ये आखिरी लगा रहे हैं ताला कारी जी, और इनके अंदर ही जो है ये ज़मीन भी आ गया है। अब ये दूसरा ताला लगा दिए हैं।